साल पुराना बैंक फिर से एक बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डूब गया। किसने डुबाया ये तो हम लोग समझ सकते हैं। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। डूब किसके राज में रहे हैं बैंक? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डूब रहे हैं। डुबाने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं। घोटाले कौन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं। भगाते कौन हैं इन मित्रों को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीजा देके इनको भगाने का काम करती है। फिर भी देशभक्ति का ढोंग, फिर भी, अरे भाई 100 साल पुराना बैंक और 100 साल पुराने बैंक को डुबोने का काम किसने किया है? अंधभक्तों, तुम्हारे तो यहां गोबर भरा हुआ है। मेरी बातें समझ में तुम्हें कभी नहीं आएंगी क्योंकि तुमने इस देश को बर्बाद करने का कसम खाया हुआ है, बीड़ा उठाया हुआ है। जब तक देश के एक एक नागरिक को तुम लोग कंगाल नहीं करोगे, इसकी सौगंध खाई है भक्तों ने। पता है किसको कहते हैं अंधभक्त? किसको कहते हैं? कई बारी बता चुका हूं, नशा ही नहीं उतरता है अंधभक्तों का। अब सोचो, यस बैंक किसके शासनकाल में डूबा? बीएमसी बैंक किसके शासनकाल में डूबा? पीएमसी बैंक किसके शासनकाल में डूबा? और अब लक्ष्मी विलास बैंक किसके शासनकाल में डूबा? विजय माल्या किसके शासनकाल में विदेश भागा? नीरव मोदी किसके शासनकाल में विदेश भागा? इस सवाल मैं पूछ रहा हूं भक्तों, गोबर खा के आए होगे तो नहीं जवाब दोगे, और आज गोबर नहीं खाया होगा तो सही मेरी बातों का उत्तर दोगे। फैसला तुमको करना है कि क्या खा के आए हो, गोबर खा के आए हो कि मूत्र पी के आए हो। ईमानदारी पूर्वक जवाब देना, किसके शासनकाल में ये सारे भागे हैं? नीरव मोदी किसके शासनकाल में भागा है? नीरव चौकसी किसके शासनकाल में भागा है? और ये भागने वाले सारे कहां के गुजराती? भगाने वाला कौन? गुजराती। बीजा देने वाला कौन? गुजराती। मित्र किसका? गुजरातियों का। देश का प्रधानमंत्री कौन? गुजराती। देश का गृह मंत्री कौन? गुजराती। आरबीआई का गवर्नर कौन? गुजराती। सीबीआई का डायरेक्टर कौन? गुजराती। अब इतने चोर गुजराती आ रहे, बड़ा आश्चर्य लगता है कि गुजरात के तो ऐसे होते नहीं है। गुजरात के लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये सारे चोर की टीम इकट्ठी कैसे हो गई और इन चोरों की टीम को आखिर क्यों पसंद कर रही है? देश की जनता कैसे साथ दे रही है? ये चंद गुजराती मिलके पूरे देश को कंगाल कर दिया, चंद गुजराती मिलके। और इलेक्शन जब आता है तो ये गुजराती मीडिया वाले, गोदी मीडिया नहीं कहेंगे, गुजराती मीडिया कहेंगे, गुजरात से ही लगभग चैनल चलते हैं और महाराष्ट्र से, तो ये गुजराती और महाराष्ट्री चैनल वाले सारे अपराधियों को पकड़ के भारत में लाने का काम ठेकेदारी ले लेते हैं चुनाव के समय में। आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, ये पकड़ लिया, ये मोदी सरकार ने कर दिया, वो कर दिया। अब चुनाव खत्म तो अपराधी भी फरार। जैसे देखो 1990 से राम मंदिर बनते बनते आता है ना, चुनाव खत्म, मंदिर का मुद्दा खत्म। 2019 में देख लो राम मंदिर, 2014 में देख लो राम मंदिर, बस जितने चुनाव हैं राम मंदिर, चुनाव खत्म, मंदिर खत्म। क्या लग रहा है 2024 से पहले राम मंदिर बन जाएगा?
फिर 2024 में वोट कौन देगा? अरे भाई 21वीं सदी में हम लोग पहुंच गए, 21वीं सदी में, लेकिन अंधभक्त कहां चले गए, कहां इनकी बुद्धि चली गई? अंधभक्ति की भी हद होती है, उससे भी बड़ी बात है कि आज मैं देख रहा था महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता, दो साधुओं की हत्या हुई थी ना, शुक्र है उस गांव में कोई मुसलमान नहीं था, नहीं तो पक्का उन मुसलमानों को तो ठीकरा फोड़ी देते ये भाजपा वाले। लेकिन अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार नहीं है, तो चलो साधु संत के ऊपर ही आंदोलन किया जाए काला झंडा लेके सरकार को दिखाने का। वहां के साधुओं की तो भाजपा को इतनी चिंता है, लेकिन अभी जो क्या कहते हैं झारखंड में मॉब लिंचिंग हुई एक साधु की, वो कांग्रेस को समर्थन करता था, उस पर एक टिप्पणी नहीं करेंगे, ये एक टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि गोबर भक्त हैं, गोबर खा के सवेरे नाश्ता करके जाते हैं, वही दिमाग में कचरा भरा हुआ रहता है, कचरों की दुकान है, कचरे की दुकान है भाजपा, मतलब कचरे की दुकान, यहां कचरा भरा हुआ, उससे भी दूसरा कचरा बता रहा हूं आप। 2014 के अंदर ये आंदोलन करते थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का, 2013 में विशेष राज्य का दर्जा, नीतीश बाबू भी लगे हुए रहते थे, सुशील कुमार मोदी भी लगे हुए रहते थे, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगी रहती थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दो। अरे भाई डबल इंजन की सरकार, अब किससे, यमराज से विशेष राज्य का दर्जा मांगोगे क्या? अब किससे विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं मांगोगे? अब कोई विशेष राज्य की दर्जा की जरूरत नहीं है, सत्ता के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे कि हमें सत्ता में आना है, इस चीज के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, सत्ता मिल गई विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया, इसी की भूख थी ना। 2014 के बाद केंद्र सरकार से नीतीश कुमार की सरकार ने या सुशील कुमार मोदी की या भाजपाइयों ने क्यों नहीं कहा मोदी जी से कि अब तो हमारी सरकार है, अब तो डबल इंजन दौड़ रही है, डबल इंजन तो वैसे नॉन स्टॉपेज होता है जो भी गाड़ी मैंने देखा है, तो भैया नॉन स्टॉपेज गाड़ी कम से कम पटना से दिल्ली तो चल के आ जाओ, रुकना ही नहीं है। कितने देश की जनता को मूर्ख बनाओगे सत्ता के लोभियों, सत्ता के लोभ के लिए तुम लोग सारी नौटंकी करते हो। अभी दिल्ली में केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हो छठ पर्व को लेके, देख रहा हूं नौटंकी। और अभी जो तुम्हारे आका ने नरेंद्र मोदी ने जब 500 मरीज थे तो पूरे देश का लॉकडाउन कर दिया था, उस टाइम हरामियों कहां चले गए थे, तब क्यों नहीं आवाज उठाया? ये धनेश्वर महतो ने आवाज उठाया था उस टाइम में, उस टाइम में भी आवाज उठानी चाहिए थी, उस टाइम में आवाज बुलंद करनी चाहिए था कि मोदी जी 500 मरीज है, ये सर्दी जुखाम है, इस सर्दी जुखाम के चक्कर में पूरे देश को क्यों बर्बाद करने में लगे हो? किसी भाजपाई के मुंह से एक लफ्ज निकला? तब क्या चला रहे थे मनोरंजन करने के लिए? रामायण सीरियल चालू कर दिया था कि घर बैठ के सब रामायण देखो और मनोरंजन लो। अरे भैया तुम्हें हराम की मिली हुई है सरकार का खजाना, तो तुम बैठ के रामायण देख सकते हो, लेकिन जिस व्यक्ति की दाल रोटी चलती है डेली बेसिस पे, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वो कौन सी रामायण देखेंगे? उनका तो वही रामायण है, वही महाभारत है, काम करेंगे तो उनका घर चलेगा, नहीं तो घर में महाभारत होगा। तो ये सब चीजें कौन, कितना मूर्ख बनाते हो आप लोग देश की जनता को। छठ पर्व है, अभी आपने देखा, अभी फिर सरकार कह रही है कि आप लोग घर से बाहर ना निकलो,
अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए, चुनाव खत्म हुए 10 दिन भी, आज 18 तारीख ही है, क्या कहते हैं, 10 तारीख को काउंटिंग हुई थी। कैसे ये नेता रैलियों के लिए भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, साला कोरोना भाग गया था तब, कोरोना भाग गया था, लेकिन अब बीमारी फिर फैल गई। मैं तो पहले ही बोल रहा था चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर बीमारी फैल जाएगी, नेता के डर से बीमारी भाग गई थी, पता है, क्योंकि नेता की सभा की बात थी, मोदी की सभा की बात थी, मोदी के नेताओं को सभा करना था, इसलिए कोई देश में कोरोना परोना नहीं था। अभी बंगाल में भी कोरोना भाग जाएगा, आपको क्या कहते हैं, चुनाव आ रहा है, नजदीक आ रहा है, 5-6 महीने बाद चुनाव है बंगाल का, कोरोना भाग जाएगा, 4 राज्यों में चुनाव है, कोरोना भाग जाएगा वहां पे, आप देख लेना पक्का, फिर चुनाव खत्म फिर कोरोना चालू हो जाएगा। मैं देश की जनता से अपील करता हूं, समझो समझो इस ढोंगी देशभक्त पार्टी को, ढोंगी राष्ट्रभक्ति को, ये ढोंग है राष्ट्रभक्ति का, ये सिर्फ हमें लूट रहे हैं, देश की जनता को लूटने के लिए राष्ट्रभक्ति का ढोंग करते हैं, ये देश को लूटने के लिए राष्ट्रभक्ति करते हैं। अब तो लूट लिया, कंगाल कर दिया देश को, अब तो देश को बकस दो। अरे 100 साल तक के लिए तुमने धन इकट्ठा कर लिया है भाजपाइयों ने, अब देश को बकस दो। जय हिंद।